बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया है। इन ऑनलाइन क्लासेस का मकसद आपको लॉकडाउन के दौरान तालीमी सरगर्मियों में मशगूल रखना है। आज हम फर्स्ट रियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है उर्दू वर्ड बुक ऑफ क्लास नर्सरी, जिसमें आज हम दोहराई करेंगे सबसे पहले हरूफ़ तहज्जी के अलिफ्ता ये की। आज हम दोबारा से सीखेंगे कि हरूफ़ तहज्जी के हर्फ अलिफ्ता ये को कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हरूफ़ तहज्जी के हर्फ अलिफ्ता ये। सबसे पहले अलिफ, पहले बच्चों अलिफ को लाइन से थोड़ा सा ऊपर से लिखा जाता है। हरूफ़ तहज्जी का हर्फ अलिफ, अलिफ को लाइन से थोड़ा सा ऊपर से सीधी लाइन नीचे, अलिफ अलिफ के बाद अलिफ मद आ, पहले हम अलिफ लिखेंगे और इसके ऊपर छोटी सी मद डालेंगे, थोड़ी सी लाइन नीचे लाई, हाथ को टेढ़ा करके आगे किया और मद अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के बाद बे का सिलसिला शुरू होता है। बे का खानदान बे, बे को कैसे लाइन से थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, हाथ को नीचे लाया, गोल करके आगे किया और ऊपर, और बे का एक नुक्ता नीचे की जाने पे। बे के बाद पे, पे को कैसे लिखते हैं, लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया, हाथ को नीचे लाया, आगे मोड़ा, गोल बना के और थोड़ा सा ऊपर, और पे के तीन नुकात होते हैं जो कि नीचे की जाने होते हैं। पे, पे के बाद ते, रूफ़ तहज्जी का हर ते, और ते के दो नुकात होते हैं ऊपर की जाने। ते के बाद ते, ते ते के ऊपर छोटी सी तोय होती है। ते के बाद रूफ़ तहज्जी का हर्फ है से, से को कैसे लिखा जाता है, से को भी बिल्कुल बे की तरह हाथ को नीचे लाया, आगे मोड़ा, गोल करके और ऊपर, और से के तीन नुकात होते हैं ऊपर की जाने। अलिफ अलिफ मदा बे पे ते ते से, यहाँ पे बे का सिलसिला खत्म होता है। से के बाद रूफ़ तहज्जी का हर जी, जीम को अदर लाइन से ऊपर और अदर लाइन से नीचे लिखा जाता है। हाथ को पीछे की तरफ मोड़ा, आगे किया, गोल करके और जीम का एक नुक्ता जीम। जीम के बाद हरूफ तहजी का हर चे, चे के तीन नुकात होते हैं, चे, चे के बाद हे का कोई भी नुक्ता नहीं होता, है के बाद खे, खे का एक नुक्ता होता है ऊपर की जाने। जी चे हे खे, खे के बाद रूफ़ तहज्जी का अगला हर्फ दाल, दाल को लाइन से ऊपर लिखा जाता है दाल। दाल के बाद रूफ़ तहज्जी का हर्फ दाल, दाल की छोटी सी तोय होती है। दाल के बाद जाल, जाल का एक नुक्ता ऊपर की जाने। रूफ़ तहज्जी का हर रे, रे अड़े जे ये, नेक्स्ट है रूफ़ तहज्जी का हर सीन, सीन के तीन शोशे, लाइन से ऊपर, हाथ को नीचे लाया, गोल मोड़ा और आगे की जाने। सीन, सीन के बाद हरूफ़ तहज्जी का हर शीन, शीन के तीन रुकात होते हैं ऊपर की जाने। शीन के बाद हरूफ़ तहज्जी का हर स्वाद, सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे, आगे लेके जाएंगे, हाथ को ऊपर लाया और नीचे मोड़ के गोल करके ऊपर की जाने। स्वाद, स्वाद के बाद हरूफ़ तहज्जी का हर स्वाद, और स्वाद का एक नुक्ता ऊपर की जाने। सी शी स्वाद स्वाद, स्वाद के बाद रूफ़ तहज्जी का हर तोय, सीधी लाइन नीचे की जाने, हाथ को पीछे की तरफ मोड़ा, गोल करके और लाइन के साथ मिला के तोय। तोय के बाद जोय, नेक्स्ट है तोय जोय, जोय के बाद आई, आई को अदर लाइन से ऊपर अदर लाइन से नीचे लिखा जाता है। आधा दायरा बनाया, हाथ को पीछे की तरफ लेके गो
गोल बोल के ऊपर, आई आई के बाद हाई, और गई का एक नुक्ता, तो जोए आई गई, गई के बाद फे, छोटा सा दायरा बनाया, हाथ को नीचे लाया और गो मोड़ के आगे करके और फे का एक नुक्ता, फे, फे के बाद कॉफ, फे के बाद रुपए तो अभी का है कॉ, कॉ को भी आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे निकल जाता है। सबसे पहले दायरा बनाएंगे, हाथ को नीचे लाया, गोल मोड़ के आगे और काफ के दोनों कार ऐसे, फे काफ, काफ के बाद हरूफ तहजी का हर की, लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, हाथ को नीचे लाया, आगे लेके गए और काफ की एक कश, की के बाद हरूफ तहजी का हर गाफ, गाफ की दो कश होती है, ए दो, फे कॉफ की गा, घाफ के बाद रुपता जी का है लाम, लाम को भी आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे लिखा जाता है। लाम के बाद मीम, मीम का सबसे पहले हम छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, हाथ को आगे लेके आएंगे और गोल मोड़ के नीचे, मीम, मीम के बाद नून, नून को भी आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखा जाता है और नून का एक नुक्ता, नून, नून के बाद वाओ, गोल दायरा बनाया, हाथ को नीचे लाके और लाइन के सामने, हे हमजा, आधा दायरा बनाएंगे, हाथ को पीछे की तरफ लेके आएंगे, हमजा के बाद ये छोटी, ये छोटी, ये के लिए हम सबसे पहले आधा दायरा बनाएंगे, हाथ को नीचे लाके गोल मोड़ के लाइन से नीचे और ऐसे, और बड़ी ये, ये हरूफ तहजी के हर्फ अलिफ ता ये जिनको हमने लिखना सीखा। अब हम इन्हीं हरूफ की आदि अशकाल सीखेंगे, उसकी दोहराई करेंगे कि हरूफ तहजी की हरूफ की आदि अशकाल को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ तहजी के तमाम हरूफ की आदि अशकाल नहीं होती, कुछ अल्फाज की, कुछ हरूफ की आदि अशकाल होती है और कुछ हरूफ की आदि अशकाल नहीं होती। जैसा कि अलिफ अलिफ मल आ दाल डाल जाल रे अड़े जे ये पर जोए वाओ हमजा, इन हरूफ की आदि अशकाल नहीं होती, जबकि जो बाकी हरूफ हैं बे पे ते टे जी चे हे खे, इन सब की आदि अशकाल होती है। तो अब हम हरूफ तहजी की आदि अशकाल की दोहराई करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। हरूफ तहजी का पहला हर्फ बे, बे की आदि शक्ल, लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, हाथ को नीचे लाया और आगे लेके गए और बे का नुक्ता, ये बे की आदि शक्ल। बे के बाद पे, हाथ को नीचे लाया आगे मोड़ के और तीन नुकात, पे, पे के बाद ते, ते के बाद ते, से। नेक्स्ट हर्फ है जीम, जीम को लाइन से ऊपर करके लिखा जाता है, जीम को नीचे वाला जो हिस्सा है हम उसको नहीं लिखते, सिर्फ ऊपर वाली शक्ल इसकी लिखी जाती है। लाइन से थोड़ा ऊपर शुरू किया, हाथ को आगे लाया और लाइन के साथ जो के आगे जी, यह है जीम की आदि अशकाल। जीम के बाद शे हे खे, दाल डाल जाल रे अड़े जे ये की आदि शक्ल नहीं होती। इसके बाद है अगला हर्फ सीन, सीन को लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, शोशे बनाए, आगे लाया लाइन के साथ मिलाकर, सीन, सीन के बाद है शी, स्वाद, स्वाद के लिए सबसे पहले हम छोटा सा दायरा बनाएंगे, हाथ को पीछे की जाने मिलेंगे कि आगे लाया और लाइन के साथ मिला देंगे, स्वाद, स्वाद के बाद
जोर। तोए जोए की भी आदि शक्ल नहीं होती। आईन, लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, आधा दायरा में हाथ को आगे लाके लाइन के साथ आईन, आईन के बाद गईन, फे, फे को भी हम पूरा नहीं लिखेंगे, आधी अशकाल में इसको आधा लिखेंगे, दायरा में आएंगे, हाथ को आगे लाया और लाइन के साथ मिला के फे, फे के बाद कॉफ, कीप, हाथ को आगे लाया, गोल मोड़ के आगे करेंगे और कीप की कश, गाव, लांग, लांग को भी आदेश काल में हाथ को आगे लाया और लाइन के साथ मिला के लांग, मीम का छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, हाथ को आगे लाया और लाइन के साथ जोड़ेंगे, मीम, नून, वाव, वाव की आदि शक्ल नहीं होती, हे के लिए हम बिल्कुल सी की तरह पहले एक छोटा सा शोशा बनाएंगे, हाथ को आगे लाया और लाइन के साथ मिला देंगे और नीचे हे, हमजा की आदि शक्ल नहीं होती, ये, हाथ को आगे लाया और तीनों का नीचे की जाने, ये है हरूफ़े तहजी के हरूफ की आदि अशकाल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन लेक्चर का, दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज लिखे। पहले बच्चे यहाँ पर हमारे पास कोई तस्वीर है जिनको हम पहले जानेंगे कि ये किस चीज की तस्वीर है और उसके बाद हम इनकी शुरू की आवाज पहचान कर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पिक्चर है मछली, 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 मीम, मछली की आवाज मीम, मछली। तो मछली जो है किससे शुरू होता है, मीम से, मीम मछली, तो इसकी शुरू की आवाज क्या है, मीम, तो हम मीम लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हाथी, हाथी, हा, हाथी, हा किसकी साउंड है, हे की, हे, हा, हाथी, हे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास लीमू, ल, लीमू, ल किसकी साउंड आती है, लाम, लाम लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास फुटबॉल, फुटबॉल, तो किसकी साउंड आती है, फे की, फे, फुटबॉल, हम फे लिखेंगे। हमारे पास पहली पिक्चर थी मछली की, तो मछली मछली, मीम से होता है, मीम मछली। नेक्स्ट पिक्चर है हाथी, हा हाथी, तो हा की सूती आवाज होती है, हे की, हा हाथी, तो हमने हे को लिखा। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर थी लीमू, ल, लीमू, तो लाम की सूती आवाज, ल, लीमू, तो हमने लाम लिखा। हमारे पास अगली तस्वीर थी फुटबॉल, फुटबॉल, तो हमने फे की सूती आवाज होती है, तो हमने फे को लिखा। आज की रिवीजन लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है दी गई तस्वीर की आखिर की आवाज लिखे। जैसा कि हमने अभी दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज लिखी, अब हम दी गई तस्वीर की आखिर की आवाज पहचानेंगे और इसको लिखेंगे। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास तितली, तितली, जैसा कि तक तितली होता है, ते तक तितली, लेकिन हमें इसकी आखिर की आवाज लिखनी है, तितली, यी, तो आग की साउंड आ रही है जो कि ये, इसकी आखिर की आवाज क्या है, तितली, यी, तो हम यहां छोटी है लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है चिड़िया, चिड़िया, तो आखिर की इसकी आवाज आ रही है अ, तो अलिफ की सूती आवाज होती है अ, चिड़िया, तो हम यहाँ पे अलिफ लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास आम, तो सूती आवाज होती है मीम की, तो आखिर की आवाज इसकी आ रही है मीम। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है फ्रूट्स, जब ढेर सारे फ्रूट्स बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं समर, से,
समर, तो आखिर की इसकी आवाज आ रही है समर, तो ऋ आवाज होती है रे ऋ, तो हम यहाँ पे रे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने अपने फर्स्ट रिविजन लेक्चर में दोहराई की हरूफत हजी के हर्फ अलिफ ता ये की कि उनको कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हमने उनकी आधी अशकाल को लिखा कि उनकी आधी शक्ल कैसे लिखी जाती है, और जैसा कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती। नेक्स्ट हमारा रवीन का टॉपिक था कि दीदी तसरीफ की शुरू की आवाज लिखे। हमने सबसे पहले पिक्चर की पहचान की कि किस चीज की तस्वीर है, और उसके बाद हमने उसकी शुरू की आवाज को जानकर आवाज को लिखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि दी गई तस्वीर की आखिर की आवाज लिखे, तो हमने दी गई तस्वीर की आखिर की आवाज को पहचान के उनके हर्फ को लिखा। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट रिवीजन का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब अपने वालिदैन की मदद से इसको घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वालिदैन एज अ टीचर आपको गाइड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।